तो आज जो मैं आपके साथ रेसिपी शेयर कर रही हूँ वो है ये स्पंजी ढोकला। देखिए कितना स्पंजी बना है। तो आज मैं आपके साथ इसकी रेसिपी बहुत ही आसान तरीके से शेयर करूँगी, बहुत ही इजीली आप इसे घर पर बना पाएंगे। पूरी रेसिपी को एंड तक फॉलो कीजिएगा ताकि कोई भी स्टेप मिस ना हो और आपका ढोकला भी बहुत ही स्पंजी बने। तो स्वागत है आपका मेरे चैनल में मैजिक स्पून विद नीतू। तो चलिए बनाना स्टार्ट करते हैं इस स्पंजी ढोकले को। तो सबसे पहले हम यहाँ पर एक बाउल ले लेंगे और इसके ऊपर मैं रखूँगी एक छलनी और इसमें डालेंगे हम बेसन। यहाँ पर 1 कप बेसन लेना है। बेसन को अब हम अच्छे से छान लेंगे ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे, कोई गुठली ना रहे। तो यहाँ पर बेसन को छानना है। यहाँ पर मैंने पैकेट वाला बेसन यूज़ किया है। तो इस तरह से हम इसको छान लेंगे बेसन को। अब मैं इसमें डालूंगी पाउडर शुगर 1 टेबल स्पून। ये नॉर्मल स्पून से थोड़ा सा बड़ा होता है, तो यहाँ पर आप चीनी का इस्तेमाल भी कर सकते हैं अगर आपके पास पाउडर शुगर नहीं है। अब इसमें हम डालेंगे 1/2 टीस्पून नमक और 1/2 टीस्पून ही यहाँ पर मैं डाल रही हूँ सिट्रिक एसिड। आप इसकी जगह नींबू के रस का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 पूरा नींबू का रस लगेगा अगर आप नींबू का रस यूज़ करेंगे। फिर डाल देंगे इसमें थोड़ा सा येलो फूड कलर। येलो फूड कलर की जगह आप हल्दी का इस्तेमाल कर सकते हैं अगर आपके पास कलर नहीं है तो। अब जितना हमने 1 कप बेसन लिया था उतना ही हम 1 कप पानी यूज़ करेंगे इसमें बेसन में। तो यहाँ पर मैं पहले आधा ही पानी डालूंगी और इसको अच्छे से मिक्स कर लूँगी। अच्छे से इसे फेंट लें ताकि इसमें कोई लम्स ना रहे। तो यहाँ पर इसे अच्छे से मैं फेंट लूँगी बेसन को। जितना अच्छे से आप फेंटेंगे इसे उतना ही स्पंजी आपका ढोकला बनेगा। तो यहाँ पर ये मैंने थोड़ी देर के लिए फेंटा है। अब फिर से मैं पानी ऐड करूँगी। थोड़ा थोड़ा पानी करके मैं इसमें ये पूरा 1 कप मिक्स करूँगी, पर थोड़ा सा पानी मैं बचा लूँगी बाद में इसमें बेकिंग पाउडर मिक्स करने के लिए। तो यहाँ पर ये देखिए मैंने फिर से पानी डाला और वो मिक्स कर दिया है इसमें। फिर से मैं इसको फेंट रही हूँ। तो यहाँ पर अब थोड़ा सा पानी मैं और इसमें ऐड कर दूंगी। तो ये देखिए यहाँ पर मैंने ये काफ़ी सारा पानी इसमें से यूज़ कर लिया है कप से, और थोड़ा सा पानी मैंने अलग से रख दिया है। तो यहाँ पर ये देखिए हमारा बैटर अच्छे से स्मूथ हो गया है। अब हम इसमें ऑयल डालेंगे। आप कोई भी फ्लेवरलेस ऑयल का इस्तेमाल कर सकते हैं। 1 टेबल स्पून मैंने यहाँ पर ऑयल डाला है। अच्छे से मिक्स कर लेंगे, अच्छे से फेंट लेंगे। और इसको अब हम थोड़ा सा फेंटने के बाद 5 मिनट के लिए रेस्ट होने के लिए रखेंगे ताकि हमारा बेसन जो है अच्छे से फूल जाए। तो इस तरह का हमारा बैटर होना चाहिए। ये देखिए अब इसको मैं बैटर को थोड़ी देर के लिए कवर करके रख दूंगी, इतना तक हम अपना स्टीमर रेडी करेंगे। तो यहाँ पर मैं राइस कुकर का यूज़ कर रही हूँ और इसमें मैं डाल रही हूँ 2 गिलास पानी के। अगर आपके पास स्टीमर है तो आप उसमें बना सकते हैं, नहीं तो आप किसी भगोने में गैस के ऊपर भी इसको बना सकते हैं। उसमें आप 2 गिलास पानी रखिए और कवर करके गर्म होने के लिए छोड़ दीजिए। अब हम अपना बैटर रेडी कर लेंगे। तो यहाँ पर ये देखिए अब इसमें मैं डालूँगी 1 चम्मच बेकिंग पाउडर। आप चाहे तो 1 पाउच इनो का डाल सकते हैं या फिर 1 चम्मच बेकिंग पाउडर डाल सकते हैं। दोनों में से कोई भी एक चीज़ आपको डालनी है जो भी आपके पास अवेलेबल हो। और जो पानी मैंने कप में बचा के रखा था थोड़ा सा, अब वो हम डाल देंगे ताकि हमारा जो बेकिंग पाउडर है वो एक्टिवेट हो जाए। तो यहाँ पर अब इसको हम अच्छे से मिक्स करेंगे। बेकिंग पाउडर या फिर आप इनो जो भी आप इस्तेमाल कर रहे हैं उसको अच्छे से मिक्स करना है ताकि हमारा बैटर जो है अच्छे से राइज हो। तो यहाँ पर इसको अच्छे से मिक्स करना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। तो यहाँ पर मैं ये अच्छे से इसको मिक्स कर रही हूँ। अब यहाँ पर मैं इसको स्पैचुला से भी थोड़ा सा मिक्स कर लूँगी इस तरह से। तो ये देखिए काफ़ी राइज हो गया है और ये हमारा बैटर जो है रेडी है स्टीम होने के लिए। तो अब यहाँ पर एक ट्रे लेनी है। यहाँ पर मैं ले रही हूँ केक टीन। आप चाहे तो किसी थाली का इस्तेमाल कर सकते हैं। जो भी आपके स्टीमर में बर्तन अच्छे से आ जाए, नीचे से फ्लैट सरफेस का हो, वो आपका चल जाएगा। तो इस तरह से यहाँ पर मैं केक टीन ले रही हूँ और इसको मैं ऑयल से ग्रीस कर लूँगी थोड़ा सा, ताकि जब हम ढोकला हमारा बन के निकले तो वो नीचे चिपके नहीं। तो यहाँ पर ये ग्रीस कर लिया है और अब हम डाल देंगे इसमें अपना ढोकले का बैटर। तो यहाँ पर ये डाल दिया है मैंने। अब इसको हम डालेंगे स्टीमर के अंदर। तो हमारा स्टीमर जो है रेडी होने वाला है। तो पानी गर्म होने लगा है। अब इसके अंदर मैं ये एक प्लेट रख दूंगी ताकि हमारा जो ढोकला है वो ऊपर ही रहे, पानी उसके अंदर ना जाए पकते हुए। तो थोड़ा सा ऊंचा करके हम इसको रखेंगे। और ये देखिए यहाँ पर ये ढोकला मैंने रख दिया। अब इसको कवर कर लेंगे ढक्कन से और इसको हम 10 से 12 मिनट के लिए स्टीम होने देंगे। और 10 से 12 मिनट के बाद मैं इसको ओपन कर रही हूँ। और ये देखिए हमारा जो नाइफ है बिल्कुल क्लीन निकला है। तो यानी कि हमारा जो ढोकला है वो अच्छे से स्टीम हो गया है। इसको बाहर निकाल लेंगे
और इसको ठंडा होने देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तो हम इसको डिमोल्ड कर लेंगे। हम अब इसको एक प्लेट में निकाल लेंगे और ये देखिए कितने आराम से हमारा जो ढोकला है वो निकल गया है और पूरा क्लीन निकला है नीचे से। तो यानी कि ये हमारा ढोकला परफेक्टली स्टीम हुआ है। तो अब इसको हम सीधा कर लेंगे ढोकले को। अच्छे से जाली बनी है इसमें और ये देखिए यहाँ पर मैं आपको इसे प्रेस करके दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है ये। तो अब इसको हम कट कर लेंगे। ढोकले को आप ठंडा करके ही कट करें, जल्दबाजी ना करें। बिल्कुल गर्म ढोकला अगर आप कट करेंगे तो वो क्रम्बल होने लगता है, तो इसको ठंडा करके ही आप कट करें। तो यहाँ पर ये देखिए नाइफ़ कितना क्लीन निकल रहा है, बिल्कुल भी क्रम्बल नहीं हो रहा है हमारा ढोकला। तो यानी कि ये बिल्कुल परफेक्ट बना है। इस तरह से आप अपनी पसंद के जैसे भी पीस रखना चाहते हैं, बड़े या छोटे, उस तरह से आप इसको कट कर लीजिए। और अब मैं आपको इसका एक पीस निकाल कर दिखाती हूँ कितना स्पंजी बना है ये और कितनी अच्छी इसमें जाली बनी है। ये देखिए मैं कितना प्रेस कर रही हूँ पर ये दोबारा से उसी पोजीशन में आ रहा है, यानी कि ये परफेक्टली स्टीम है। और ये देखिए कितनी अच्छी हमारे ढोकले की जाली बनी है। अब ढोकले के लिए हम बनाएंगे तड़का। तड़का बनाने के लिए एक भगोना ले लिया है, उसमें थोड़ा सा तेल डालेंगे लगभग एक चम्मच और फिर आधा चम्मच इसके अंदर हम डाल देंगे राई। राई जैसे ही चटकने लगेगी, यहाँ पर मैंने हरी मिर्च को कट करके रखा हुआ है तो दो हरी मिर्च को मैं कट करके इसमें डाल दूंगी। आप चाहे तो ज़्यादा भी यूज़ कर सकते हैं, जितना तीखा आपको चाहिए उतना ही आप इसमें ऐड कर लीजिए हरी मिर्च को। फिर डाल देंगे इसमें एक गिलास पानी। अगर आप एक कप बेसन से ढोकला बना रहे हैं तो आपको एक गिलास पानी इसमें लगेगा। तो यहाँ पर अब इसमें मैं डाल दूंगी दो चम्मच चीनी और फिर आधा चम्मच मैं इसमें डालूंगी नमक और यहाँ पर एक नींबू का रस मैं इसमें डाल रही हूँ। अब इसको हम अच्छे से पका लेंगे सिरप को। अब हम इसको एक से दो मिनट के लिए अच्छे से पका लेंगे और उसके बाद आप इसे टेस्ट कर लीजिए। अगर आपको इसमें मीठा, नमक या खट्टा कुछ भी ऐड करना है तो आप ऐड कर सकते हैं अपने टेस्ट के अकॉर्डिंगली। अब यहाँ पर इसको मैं गैस को बंद कर दूंगी इसको एक दो मिनट के लिए पकाने के बाद और फिर इसको हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे। तो यहाँ पर मैं इसको पहले थोड़ा सा टेस्ट करूँगी कि इसमें सब परफेक्ट है कि नहीं। तो यहाँ पर टेस्ट करने के बाद ये बिल्कुल परफेक्ट बना है हमारा जो ढोकले का सिरप है और इसको अब हम ठंडा होने के लिए छोड़ देंगे थोड़ी देर के लिए। जब ये ठंडा हो जाएगा तब हम इसे ढोकले के ऊपर डाल देंगे। तो यहाँ पर ये ढोकले के ऊपर मैं इसको ऐड कर दूंगी, इससे हमारा ढोकला जो है बिल्कुल मॉइस्ट रहेगा। ऊपर से थोड़ा सा कटा हुआ हरा धनिया डाल रही हूँ और आप चाहे तो कोकोनट को घिस के वो भी डाल सकते हैं इसके ऊपर। तो यहाँ पर ये देखिए धनिए से मैंने इसको डेकोरेट कर दिया है ऊपर से और इसको अब हम ठंडा कर लेंगे और सर्व कर लेंगे ग्रीन चटनी या फिर टोमेटो केचप के साथ। तो फ्रेंड्स, आपको ये रेसिपी कैसी लगी मुझे ज़रूर बताइएगा। अगर आपको मेरी रेसिपीज़ पसंद आती है तो मेरे चैनल को प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नई रेसिपी के साथ। तब तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।